नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। रविवार के दिन आईपीएल 2023 में दो बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी कि रोहित शर्मा के सामने होंगे नीतीश राणा। और मौसम किसका साथ देगा, हवा क्या तेज गेंदबाजों को मदद करेगी, क्या बारिश आने का अनुमान है, इस वीडियो में वेदर रिपोर्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मुंबई इंडियंस जो कि अपना पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आखिरी बॉल पर जीता था, लेकिन जीत मुंबई इंडियंस को मिल गई थी, ये एक अच्छी खबर थी, यानी कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा मुंबई इंडियंस का। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता की बात करें तो रिंकू सिंह का जो तूफान आया था गुजरात टाइटंस के खिलाफ, उसके बाद केकेआर को एक हार भी मिल चुकी है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, यानी कि नीतीश राणा भी यहां पर जीत हासिल करना चाहेंगे। तो चलिए फटाफट से नजर डाल लेते हैं, मौसम किस टीम का साथ देगा, या गेंदबाजों का साथ देगा या बल्लेबाजों का साथ देगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। रविवार को पूरा दिन मुंबई में मौसम साफ रहेगा, बारिश आने के ज्यादा चांसेस नहीं है, इसलिए दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिलेगा। तापमान की बात करें तो 27 से 34 डिग्री के बीच में तापमान बना रहेगा। बारिश के अनुमान की बात करें तो सिर्फ 1% बारिश का अनुमान जताया गया है, यानी कि जो संकट के बादल हैं वो नहीं मंडराएंगे। हवा जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, लेकिन क्योंकि ये ढका हुआ मैदान है, ज्यादा खुला मैदान नहीं है, इसलिए इतनी कम जो हवा चलेगी, जो गति है हवा की वो काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से तेज गेंदबाजों को उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, सिर्फ शुरुआत में मदद मिलेगी। और जो ग्राउंड है ये वानखेड़े का, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है, इसलिए बड़े बड़े छक्के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है, ये अच्छी खबर है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मुंबई जीत रही है या फिर कोलकाता जीत रही है, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।